हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल हलवा। किसी भी फेस्टिवल में या शादी में आपने मूंग दाल हलवा ज़रूर खाया होगा, तो उसी तरह का हलवा आज हम घर पे बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मूंग दाल हलवा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमने ले रखा है एक कटोरी मूँग दाल, ये छिली हुई मूँग दाल है, और सेम कटोरी से हमने एक कटोरी चीनी ले रखी है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ हमने काजू और कुछ बादाम ले रखे हैं, जिन्हें हमने लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। थोड़े से किशमिश और पिस्ता ले रखे हैं, और आधा चम्मच के बराबर हम केसर का पानी लेंगे। अब ये जो मूंग दाल है, इसको हम अच्छे से 2 से 3 पानी में पहले धो लेंगे, और उसके बाद हम 3 से 4 घंटे के लिए इसको भिगा के रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मूंग दाल को हमारे 4 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम छन्नी की हेल्प से पानी को अच्छी तरह से निकाल के और मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस लेंगे। इसको पीसने के लिए हमको पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीस ली है, और एकदम से हमारी दाल पीसती नहीं है, इसलिए हमको रुक रुक के इसको पीसना होगा, यानी रुक रुक के मिक्सी को चलाना होगा। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने सारी मूंग दाल पीस ली है। अब हम गैस में एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे, और उसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी के बराबर घी। यानी मैंने एक बड़े चम्मच से 4 से 5 चम्मच घी ले रखे हैं। इस हलवे में जितना ज़्यादा घी डाला जाता है, उतना ज़्यादा ये हलवा टेस्टी होता है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, तो हम इसमें 1 चम्मच बेसन डाल देंगे, और 1 चम्मच सूजी डाल देंगे इस तरह से फैलाते हुए। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें। फ्रेंड्स, इन दोनों को डालने का रीज़न ये है कि बेसन हम इसलिए डालते हैं कि ताकि हमारा हलवा सॉफ्ट बने, उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो, और सूजी हम इसलिए डालते हैं कि ताकि दाल नीचे तले में चिपके ना, क्योंकि दाल बहुत जल्दी तले में चिपक जाती है। तो अब हम इसमें पूरी दाल डाल लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे घी के साथ। और देखोगे फ्रेंड्स, आप अभी ये पूरे घी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जब हम दाल को डालते हैं, तो ये बहुत भारी होती है, बहुत थिक होती है, लेकिन जैसे जैसे ये हलवे के लिए भुनती जाती है, हलवे के लिए रेडी होती है, तो ये बिल्कुल हल्की हो जाती है। यही इसका इंडिकेशन है कि हमको पता चल जाता है कि हमारी जो दाल है हलवे के लिए रेडी हो गई है। तो इसी तरह से हम मीडियम आंच पे इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट हमें इस प्रोसेस में लग जाएंगे। तब तक हम उधर अपनी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं इसमें 2 कटोरी के बराबर पानी ऐड कर दूंगी, और सेम कटोरी से 1 कटोरी चीनी ऐड कर दूंगी। अब इसको हम चला लेंगे, और हमें चाशनी सिर्फ इतना ही पकाना है कि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे केसर का पानी, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 इलायची कूट के, यानी आपके पास इलायची पाउडर हो तो 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और चीनी अच्छे से घुल गई है, तो चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं। अब हम इधर अपनी दाल को देख लेंगे। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे दाल हल्की हल्की सी होने लग गई है, और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी दाल पूरी तरह से हल्की हो गई है। आप देख पा रहे होंगे इसका एक एक दाना अलग हो गया है, यानी जैसे सूजी होती है उस तरह से ये हो गई है। तो अब हम इसमें जो हमने शुगर सिरप बना के रखा था, उसको ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से हो गई। तो हम बीच में हल्का सा इसको इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे हम शुगर सिरप डालेंगे, क्योंकि जब हम शुगर सिरप डालेंगे तो ये दाल ऊपर को आएगी, इसलिए हमको या तो गैस को आप बंद कर सकते हो, या तो बिल्कुल स्लो कर सकते हो। तो मैंने बिल्कुल स्लो करके ये डाला है, और अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पूरा पानी हमको डाल देना है इसमें। चाशनी को हमें बचाना नहीं है, पूरी जितनी भी हमने चाशनी बना के रखी है सारी डाल देनी है।
और अब हम इसको चलाते रहेंगे मीडियम आंच पे ही, जब तक कि ये एकदम हलवे की तरह ना हो जाए, एकदम थिक ना हो जाए। अब हमने इसमें पिस्ता, काजू, बादाम और किशमिश तीनों चीज़ें डाल दी है और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। हलवे को मीडियम आंच पे ही हम इसको इसी तरह से चलाते हुए थिक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ये थिक हो जाता है। इसके बाद हलवे को बनने में टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर हलवे की कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए तो आप ऐसी ही रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी थिकनेस चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको थिक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह की रखूँगी और अब इसमें ऊपर से एक चम्मच मैं घी डाल दूँगी। आप चाहे तो और भी घी डाल सकते हो। इस टाइम हमारा घी डालने का रीज़न ये है कि हमारा घी बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, मैंने ये कम घी में बनाया है, आप चाहे तो इसमें और भी ज़्यादा घी का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा हलवा बनके एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आपका हलवा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म खाएं, क्योंकि इस हलवे को गर्मा गर्म खाने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाता है तो इसमें जो घी पड़ा है वो जमने लग जाता है और बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो आप जब भी मूंग का हलवा खाओ, एकदम गर्मा गर्म खाओ। ऊपर से थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लूँगी और देखिए हमारा टेस्टी सा हलवा बनके रेडी है, वो भी बहुत कम टाइम में। और देखिए फ्रेंड्स, मूंग का हलवा जो जब भुनती है दाल तभी इसमें टाइम लगता है, बाकी कोई भी टाइम नहीं लगता है इसको बनने में। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपको एक ऐसी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय।